हेलो दोस्तों, ये है मेरे पास मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव का पुराने वाला एलजी का, और ये हमारा ख़राब हो चुका है। और इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करेंगे हम लोग, और इसको चेक करके आपको बताएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट था और हमारा किस लिए ख़राब हुआ। ये हमारा नए वाला है, तो ये नए वाला आ गया और ये पुराने वाला है। हम क्या करेंगे इसको, और आप सीरीज टेस्टर से भी चेक कर सकते हो, और या फिर ये मल्टीमीटर है, ये इससे भी आप चेक कर सकते हो कंटिन्यूटी से। तो चलिए हम इसके दोनों पॉइंट है इसको चेक करेंगे। पहले ये मैंने इसको दोस्तों लगा दिया यहाँ पे, एक पॉइंट को यहाँ पे लगा दिया, और दूसरा देखिए ये मेरी लाइट ग्लो हो रही है, और ये इसका मतलब दोस्तों ये हमारा मतलब जब ये हम इस पॉइंट दोनों पॉइंट को चेक करते हैं तो ये हमारे ओके होते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को दोस्तों हम चेक कर लेते हैं इसके ग्राउंड के साथ। तो अगर मतलब इसके साथ शॉर्ट होगा तो ये इसके साथ कंटिन्यूटी हमारी देगा इसमें टेस्टर में, तो ये हमारा पॉइंट जो है ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए ग्राउंड के साथ, तो ये ज़्यादातर शॉर्ट ही होता है दोस्तों। ये देखिए, ये आपको LED ब्लिंक दिख रही होगी लाइट, ये देखिए, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा जो है शॉर्ट है इसके साथ। और हम दूसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए मैंने दूसरे पॉइंट पे भी लगा दिया, और ये देखिए हमारा जो है ये भी हमारा पॉइंट शॉर्ट बता रहा है, तो इसको हमें दोस्तों चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये नया वाला लेके आया हूँ, तो ये इस पैकिंग में आया था हमारा, ये पूरा सील बंद है टेप से। जब भी हम माइक्रोवेव का मैग्नेट्रॉन जो चेंज करते हैं दोस्तों, तो आपको ये क्या करना होता है, इसको चेक कर लेना है आगे का जो साइज़ है कि हमारा प्रॉपर इस सेम ऐसा ही हमें साइज कर लेना है, क्योंकि इसकी फिटिंग में दोस्तों हमें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है फिटिंग करने में, तो सेम शेप का ही हमें जो है वो लेना पड़ता है। तो चलिए अब मैं इसको खोल के आपको बताता हूँ, ये भी सेम ही है। ये देखिए, ये ग्लेंस कंपनी का है, और इसका दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होती, ये मेड इन चाइना है, ये मेड इन कोरिया है, काम सेम ही करता है। ये हमारा नया वाला है, की टेस्टिंग करके बताता हूँ आपको। चलिए हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, ये देखिए हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है इसमें, ये यहाँ पे ये दोनों पॉइंट ओके हमारे अंदर से जो है मैग्नेट्रॉन्स, यहाँ पे हम लगाते हैं तो ओके है। इस पॉइंट को भी हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो ये हमारा ओके है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। दोस्तों पानी हमारा गर्म हो चुका है और माइक्रोवेव हमारा फिर से काम करने लग गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।